मैं जमील अहमद, अयोध्या उत्तर प्रदेश से फार्मर जर्नलिस्ट। आज हम अपने यहाँ के बिहार और यूपी पूर्वांचल का गर्मी का मुख्य तोहफा सत्तू के बारे में बताएंगे और किसान इससे कैसे फायदा ले सकते हैं और सत्तू कैसे तैयार हो रहा है, कैसे मार्केट तक जा रहा है, अभी आपको बताते हैं हम सत्तू के बारे में। साथियों, ये देख सकते हैं आप, ये भुना हुआ जौ है और भुना हुआ चना। ये मान के चलिए इस ये गर्मी का ये किसानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जौ बहुत ठंडी होती है, इसलिए जौ की तासीर ठंडा होने की वजह से लोग बाग जौ का इस्तेमाल कई तरीके से करते हैं। तो विशेष करके अब हम आपको सत्तू बना के बारे में बता रहे हैं। हमारे पूर्वांचल में यूपी बिहार तक सत्तू को कई तरीके से खाया जाता है। सत्तू को लोग फ्रिज में डाल करके अच्छा सा इसका एक आइसक्रीम टाइप का भी बना लेते हैं और बाकी देहात में इसको सत्तू का शरबत बनाते हैं। सत्तू का जो है चाहे मीठा बनाए चाहे नमकीन बनाए, इसमें पुदीना आम की चटनी वगैरह से जो है इस सत्तू को खाया जाता है। सारा दिन शरीर ठंडा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है अंदर से। तो साथियों, ये है सत्तू, भुना हुआ चना और इसके अंदर ये देखिए मिला हुआ नीचे जीरा और छोटी इलायची मिला हुआ है इसके अंदर, वो भी भून के पड़ता है। तो ये बहुत ही पौष्टिक है और ये सत्तू इसको देख सकते हैं, ये सत्तू है। इसका प्रोसेसिंग हो करके ये बाज़ार में दरअसल पहले तो दिया गया था, बाज़ार में बहुत ही मांग है इसकी सत्तू की। लोग बाग बहुत शौक से खाते हैं, तो ख़ास करके गर्मी का यह तोहफा है। ये शरबत बनाया जाता है, मीठा भी बनता है, नमकीन भी बनता है, खट्टा भी बनता है। आदमी वैसे भी इसको हलवा के तरीके से खाते हैं सत्तू को। और ये पूर्वांचल का बहुत पौष्टिक आहार है, ये इसको फास्ट फूड भी कहते हैं भाई अंग्रेजी में। आज की ज़बान में इसको जो है फास्ट फूड भी कहा जा सकता है कि डायरेक्ट इसको जो है पानी में डालो चाहे दूध में डालो, इसको मिलाओ चाहे नमक मिलाओ चाहे पूरा बढ़िया सा चटनी बनाओ और चाहे इसको इसमें शक्कर मिलाओ गुड़ मिलाओ, किसी भी तरीके से इसको खाया जा सकता है। और ये आप लोग खुद समझ सकते हैं कि चने में कितना पौष्टिकता है। और इसका प्रोसेस ये है कि पहले से जौ को भिगोया जाता है 2-3 घंटे के लिए, चने को भिगोया जाता है, फिर उसको छाए में सुखाया जाता है। छाए में सुखाने के बाद फिर इसको जो है भुना जाता है। फिर भुनवाने के बाद फिर जो है इसको इसमें वो जीरा और छोटी इलायची इसको भी तवे पे भुना करके फिर उसमें यह भी पड़ता है। तो इस तरीके से बहुत ही खुशबूदार बहुत लजीज इसका सत्तू बनता है। और जो कि इस टाइम पर हमारे पूर्वांचल में बहुत पौष्टिक आहार के रूप में लिया जाता है। इसको गर्मी लगने नहीं देता है बदन में, देहात में इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे पूर्वांचल में यूपी से लेकर बिहार तक, यूपी पूर्वांचल और बिहार में और पश्चिमी तरफ को नहीं पता लोग खाते हैं नहीं खाते हैं। तो साथियों, ये छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, अगर आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें ताकि सत्तू का मज़ा सब लोग ले सकें और कमेंट में अपनी सलाह भी दे सकते हैं कि और सत्तू को किस तरीके से खाया जाए या किस तरीके से बनाया जाए। हमने अपना यह बना रखा है, इसमें इलायची जीरा जौ और चना, इन सबको भुनाने के बाद में फिर इसको पीसा जाता है, पीस के जो है इसको प्रोसेस किया जाता है, फिर पैकेट बनता है, फिर जिसको ज़रूरत होता है वो ले जाता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको ज़रूर बताएं ताकि हमको पता चले कि हाँ हमारा वीडियो लोग देखते हैं। तो ये रहा सत्तू।
का मटेरियल मैंने प्रोसीजर इसका सारा बता दिया है, इस तरीके से इसको बनाएं, खुद खाएं, औरों को भी खिलाएं, लोगों को शेयर करें, पता चले कि हाँ सत्तू का क्या प्रभाव है, क्यों इतना गुणकारी है। जय हिंद, जय भारत।